मालिक है वहाँ कभी रेप केस नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी सजा किसी बीच चौराहे पे ला करके या तो गर्दन कलम कर दी जाती है या गोली मार दी जाती है या फांसी दे दी जाती है। उसी तरीके का कुछ कानून अब यानी इस देश में लाने की ज़रूरत है। एक मिनट आ जाओ, हो गई दानिश सब पीछे आ जाओ। दानिश जरा एक आदमी जो है ना मोमबत्ती जलाओ ना, मोमबत्ती जलाओ। अभी मोमबत्ती जलाने के बाद है ना जरा दो मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाना, दो मिनट के लिए थोड़ा सा मौन कर लेना है, दो मिनट के लिए अपने श्रद्धांजलि। ओके मोमबत्ती मोमबत्ती हेलो मोमबत्ती दे दे। दो मिनट रुकना, मोबाइल ले लो वाला, प्रेम में आना चाहिए ना पूरा। अभी वो लोग मौन रखेंगे ना, मौन के बाद में फिर वो भाषण दे देगा। भाई लाइटर ले लो तुम्हारा, इधर इधर मेरे हाथ में है नीचे। इधर जमीन पे भी रख दो तो चलेगा, जमीन पे रख दो चलेगा, जमीन पे रख दो टेबल पे, हाँ टेबल पे टेबल के ऊपर गिरी गिरी जी अंदर पकड़ो। अच्छा जमीन पे रखो भाई, जमीन पे पकड़ के नीचे रखो भाई, टेबल के नीचे रखो, जमीन नीचे कपड़ा ना भाई वो तो पकड़ लेगा। हाँ जरा साइलेंट दो मिनट के लिए अभी है ना, दो मिनट के लिए सब बातचीत बंद कर दो, एक दो मिनट की जैसे सरदार जी के लिए जैसे खत्म मौन कर लो, दो मिनट के लिए रिक्वेस्ट है। क्या क्या आज एक ऐसे ही बस इतनी दूरी से बोलो,
बोलिए आप, क्या कार्यक्रम था आपका? जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, हथरस में, जैसे यूपी में हथरस जिले में जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हादसा हुआ है, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर MIM की तरफ से कैंडल मार्च किया था मुमरा में। इसीलिए हम लोग सब यहाँ जमा हुए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो यानी इस देश का कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास दोहराया गया है वहाँ पर। हमारे जो शहीद भगत सिंह थे, उनकी भी बॉडी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई थी और उनकी अंतिम क्रिया पूरी कर दी गई थी पुलिस की, उस टाइम पे अंग्रेज़ों के जरिए। उसी तरीके से जो ये अंग्रेज़ों की औलाद है, जो ये संगी लोग, उन लोग उसी तरीके से आज कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारी एक बहन के साथ आज बलात्कार होता है, वो तड़पती रहती है, पहले तो FIR नहीं होती है, हल्का उल्का छेड़छकानी का मामला होता, जब मामला खुलने लगता तो रेप केस में कन्वर्ट होता, और उसके बाद उसके परिवार वालों से छुपा करके रातों रात उसके शव को जला दिया जाता। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एहतजाज करने वाले। मुसलमानों और दलितों का मुस्तकबिल इस वक्त हिंदुस्तान में खतरे में नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि असद अवैसी साहब ने भी कल आवाज़ उठाई तो उन पर यह आ गया कि वो संविधान की बात नहीं कर रहे, वो एक संघी की बात कर रहे, संघी के खिलाफ बोल रहे, क्या कहेंगे? देखिए कि आपको पता ही कि यानी ये जो मुस्तकबिल आप जैसा बता रहे हो दलित और मुसलमानों का, तो आप देख ही रहोगे पिछले जब से यानी भाजपा की सरकार बैठी है, ये जैसे हमारे शहरियत में मुखालिफत कर ही रही है, कुछ ना कुछ यानी उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूसली हम लोगों को, और जिस तरीके से रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी की जा रही है, हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा मुस्तकबिल तो वैसे भी खतरे में, ये बात हम जान चुके हैं। और रही बात असद ओवैसी साहब की, तो यानी उन्होंने हमेशा हक की बात कही है, हाँ उसको टारगेट करके अलग तरीके से पेश करना हमेशा ये गोदी मीडिया का रोल रहा है, वो करने दो उनको, उनसे कुछ फर्क। अभी एक बात बताइए आप, ये तो जातीयता जो है सामने आई है कि भाई एक लड़की के साथ में विशेष उसका धर्म देख करके उसके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन प्रशासन ने जो किया है उसके संदर्भ में क्या? देखिए ये जो योगी सरकार है, आप उसको देख ही रहे, जब से योगी सरकार बैठी है यूपी में कितने रेप कांड हो रहे हैं या कितना यानी मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सरकार संघी सरकार है और ये बस यानी जाति के खिलाफ ही काम कर रही है, कभी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तो कभी दलित समाज के खिलाफ, तो ये सरकार नहीं है, ये एक थोड़ा कंटिन्यू कर गरीबों के खिलाफ और यानी तानाशाही चला रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने तोड़ी थी, अडवाणी, उमा भारती, ये सारे के सारों को बरी कर दिया गया, और बाहर आकर उन्हीं का लीडर एक बोलता है कि हमने तोड़ा था, हमें फख्र है, क्या मैसेज देंगे इसलिए इस ताल्लुक से पूरी कौम को, जो यहाँ पर जो पिछड़े हुए दलित हैं और मुस्लिम कौम है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका MIM की तरफ से? देखिए देश के संविधान पे हम लोगों को हमेशा भरोसा रहा है, कानून पे हमको हमेशा भरोसा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से फैसले आए, चाहे बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद वहाँ पर यानी राम मंदिर बनाने के ऊपर फैसला हो, या जैसा कि आपने बताया, आप बता रहे कि 39 लोगों पे केस बना था, उसके बाद 7 लोग तो अभी उसमें मृत्यु हो चुकी, 32 जो बचे थे उनको यानी ये बोल करके बरी कर दिया गया कि उन लोगों ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए आए थे, और उनके कुछ लीडर जब इसके खिलाफ बोल रहे और जग जाहिर है, ये जो जितने भी 32 लोग थे इन्होंने हमेशा आकर के ऑन स्टेज ऑन कैमरा हमेशा आकर के फख्र से कहा है कि हमने शहीद करा, तो अब हमको कानून पे भरोसा, लेकिन आज कानून का जो फैसला आ रहा है पूरे भारतीयों पे अत्याचार है, ये अत्याचार। जाधव सर जो जज थे उसके, उनका कल का आखिरी दिन था, और हर जज का जिसके रिटायरमेंट का आखिरी दिन होता है वो इस तरीके के फैसले देके जा रहे, तो कहीं ना कहीं हम तो फैसले को कोर्ट का फैसला हम मानते हैं, हमको यानी कानून पे भरोसा, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले जिस तरीके से आ रहे हैं अब थोड़ा भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। शालम साहब, ये जो लाचारी आज भारतीयों को जो फेस करना पड़ रहा है, सामना है उसका, इससे संदर्भ में क्या बोलेंगे? देखिए ये लाचारी जब से भाजपा सरकार आई 2014 से, 70 सालों से हमारे देश में ये मामला चल ही रहा था, लेकिन इतना न्याय व्यवस्था इतनी खराब नहीं हुई थी जितना ये 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार के राज में हुआ। यही अगर कब तक हम लोग मोमबत्ती या कैंडल मार्च करते रहेंगे, जब तक के ये कानून, अगर निर्भया कांड के केस में अगर ये लोग सही तरीके से सरकार और पुलिस स्टेशन, ये लोग अगर कानून का अच्छा फैसला किए होते, उनको सजा मिली होती, तो आज इस ये बहन के साथ में ऐसा हादसा नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारे इसके बारे में कल बता रहे थे, आपने भी अभी एक सवाल किया कि असद भाई से ये पूछे, तो असदुद्दीन अवैसी जो बाबरी मस्जिद का हुआ था, उसी तरीके से हम असद भाई से ये बात करेंगे कि आप इस केस को पूरी तरीके से लड़े। क्या ये दलित का इंसान नहीं है? दलित भी इंसान है, और देखो हम तो 20-18% है,
हमको इतना नुकसान नहीं होगा जितना ये भाजपा सरकार के रहने से ये 80% लोगों का होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के लोगों से कि चाहे वो हिंदू धर्म का मेरा भाई हो चाहे किसी भी धर्म का, उसको ये चाहिए कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दे जो सिर्फ 2% के ऊपर चला रही है, 2% के लिए, बाकी सबको ये भुगतना पड़ेगा। आज इस बच्ची के, आज ये हमारी दलित बहन के साथ हुआ, कल ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, इनके भी घर में हो सकता है, ये किसी के नहीं होते सर। कहीं ना कहीं ये सब इन फैसलों की वजह ये है कि हमारी हिस्सेदारी कम है गवर्नमेंट जॉब में भी और तालीमी मैदान में पीछे होने की वजह से। नहीं, नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल, हिस्सेदारी कम है हमारा, हमारी मना नहीं सकते हम पूरी तरह। बिल्कुल, देखिए आज हमारी मजबूरी क्या है सबसे बड़ी, कि हमारे को रिजर्वेशन ज्यादा नहीं है, रहा सवाल पढ़े लिखो का। आज हमारी कौम माशाल्लाह पढ़ी लिखी, आप देखो कितने एजुकेटेड थी, आपको इसी मुमरा शहर में आपको 200 इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास मतलब हमको इतना आरक्षण में नहीं है, मुसलमानों के साथ 5% का है, बाकी जो मामला एजुकेशन का, इस वक्त हमारी कौम माशाल्लाह काफ़ी पढ़ाई लिखाई में आगे है और ध्यान दे रही, पढ़ाने में लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रहा सवाल सरकार की जो नीति चल रही है, इस सरकार की नीति की वजह से मुसलमान और दलित सबसे ज़्यादा दबे और कुचले जा रहे हैं। इस इजहार तासुब, ये जो शोक सभा लगाई है आपने, जो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, इसको कहीं दर्ज किया आपने? कोई कलेक्टर को या पुलिस स्टेशन में कोई मेमोरेंडम दिया है अपने अध्यक्ष होने? बेशक हम लोगों ने यानी यहाँ से आने से पहले वहाँ पर मेमोरेंडम दिया और हमने मांगनी की है कि जो भी ये कांड में जो भी अपराधी है उन लोगों को बीच सड़क पर ला करके फांसी दी जाए। देखिए हम तो चाहते हैं कि ना, अब सरकार जब यानी जितने रेप कांड बढ़ते जा रहे हैं इस देश में, यूपी में खास करके, हम चाहते हैं कि शहरियत का यानी कानून लागू किया जाए। आप देखिए इस्लामिक जितने मुमालिक है वहाँ कभी रेप केस नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी सज़ा कैसी, बीच चौराहे पे ला करके या तो गर्दन कलम कर दी जाती है या गोली मार दी जाती है या फांसी दे दी जाती है। उसी तरीके का कुछ कानून अब यानी इस देश में लाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।